गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जी हाँ, लॉकडाउन के समय में आप सभी लोग बोर हो गए हैं ना, इसीलिए सोचा कि इस बोरियत समय को कैसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आप लोगों के सामने आज लेकर आई हूँ मैं क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, एग ब्रेकफास्ट रेसिपी, शाक शुखा। जी हाँ, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कोई बंगाली डिश होगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि ये ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही क्विक भी बन जाता है, बहुत इजी और बहुत हेल्दी है, तो देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं। रियली यम्मी, वेरी यम्मी। जी हाँ, आज के ब्रेकफास्ट को मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज नॉनस्टिक की तवा में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 एग, 3 टोमेटो, 2 ग्रीन चिली और अदरक थोड़ा सा ही चाहिए, और लहसुन भी थोड़ा चाहिए, और 2 प्याज चाहिए, और थोड़ा सा हरी धनिया चाहिए। ठीक है, क्लियर। जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लहसुन अदरक मैंने थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रखा है, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं लेना, 4-4 कली, 5-5 कली आपने लहसुन लेना, थोड़ा सा अदरक। ठीक है, ये सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, होती है ना, ये सारी चीज़ें घर में होती हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज को, टमाटर को मैंने क्या किया है, छोटा छोटा काट लिया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 एग हैं। हरी धनिया को भी आपने बारीकी से काटना है, और हरी मिर्च को भी आपने बारीक से काटना है, और अदरक लहसुन को मैंने यहाँ पे हमदस्ता में कूट लिया है। ठीक है, आप बारीक भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा छोटा काट भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं आप, और आप ले सकते हैं रिफाइंड ऑयल, पर मुझे अच्छा लगता है मस्टर्ड ऑयल, तो मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। पहले अपने अच्छे से तवा को गर्म करना है, उसके बाद आपने ऑयल डालना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे डालना है क्या, जी हाँ, अनियन। सारे अनियन को आप अच्छे से डाल दीजिए, ठीक है, कुछ अनियन, एंड उसके बाद उसको अच्छे से आपने क्या करना है, फ्राई करना है। जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए अच्छे से ये जब ब्राउन हो गया, ब्राउन होने के बाद आपने इसके अंदर डालना है, जी हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो मैंने हमदस्ता में कूट के रखा हुआ था, या फिर आप उसको छोटा छोटा बारीक भी काट के डाल सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन चिल्ली डाल देना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको फिर अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है। ठीक है, अच्छे से उसको आपने फ्राई करना है। ठीक है, जब फ्राई हो जाएगा थोड़ी देर के बाद देखेंगे आप, ये भी थोड़ा ब्राउन हो गया है, देन पुट टोमेटो। अब यहाँ पे जो बारीक कटे हुए टमाटर थे, उस टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हैं, और इसको भी मीडियम फ्लेम में, भी नहीं लो फ्लेम में, जी हाँ, लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लो फ्लेम में मैं इसको बना रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, जैसे कि टमाटर गल जाए थोड़ा सा नमक डालना है, और आपने डालना है हल्दी, 1/4 हल्दी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। उसके बाद आप क्या डालेंगे बताइए, जी हाँ, इसके बाद आप डालेंगे धनिया पाउडर, वो भी हमने कितना डाला है, 1/4। अब हम डालने वाले हैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1/4, और अब हम डालने वाले हैं क्या, जीरा पाउडर, वो भी 1/4। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। 3 मिनट पकने के बाद आपने यहाँ पे बीच में से गैप देना है, देख सकते हैं आप कि 2 गैप में क्यों बना रही हूँ, बताओ, याद है आपको 2 एग्स भी लिए थे हमने, जी हाँ, इन 2 एग्स को मैं इन दोनों गैप्स के अंदर फिक्स करूँगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, जी हाँ, मीडियम भी नहीं लो फ्लेम में पका रही हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपने एग डाला तुरंत आपने डालना है हरी धनिया, यू कैन सी हियर, जी हाँ, हरी धनिया, हरी धनिया के पत्ते, धनिया पत्ता, जी हाँ, डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको कवर करके रखना है। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए आपने इसको कवर करना है, 10 मिनट के लिए आपने इसको क्या करना है, एकदम लो फ्लेम में इसको पकाना है, 10 मिनट, वेट फॉर 10 मिनट्स, एंड देन यू कैन सी आफ्टर 10 मिनट्स, जी हाँ, 10 मिनट के बाद ये कुछ ऐसा पक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको कट करूँगी बीच में से, अपने पिज़्ज़ा देखा है, पिज़्ज़ा, जी हाँ, देखा ना पिज़्ज़ा किस तरह से कट के आता है ना बीच में से, आपने इसी तरह इसको 4 टुकड़े करना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि आप
आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो स्प्रेचुला है उससे अगर हो रहा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले स्प्रेचुला के साथ कर रही हूँ, हुआ नहीं था प्रॉपर तरीके से, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आपने क्या करना है, आपने लेना है नाइफ, और नाइफ के साथ, ये कैंसी है, ये नाइफ है, नाइफ के साथ अच्छे से काटना है, ठीक है। जब आप नाइफ से अच्छे से कट करते हो तो वो उसकी शेप बहुत अच्छी आती है, और आप अच्छे से सर्व करते हो, सर्व करने के बाद भी वो बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत यम्मी दिखता है, राइट। तो आपने इस तरह से इसको चार पीसेस में कट कर लेना है। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइस कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी बना सकते हो, आप 4x के साथ भी बना सकते हो, या तो 3x के साथ भी बना सकते हो। तो मैंने सिर्फ 2x ही लिया है, और यू कैन सी हियर, है ना, काफ़ी हेल्दी यमी ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद इसी नॉनस्टिक के तवा में मैंने दो टोस्ट लिए, ठीक है, दो ब्राउन ब्रेड लिया, और उसके बाद इसको मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से इसको लो फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, कि जैसे मैं इसको इसके साथ अच्छे से खा सकूँ, ठीक है। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप इस डिश को, इस ब्रेकफास्ट को आप पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर बंगाली है तो बंगाली लोग तो चावल के साथ भी खाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी? अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फेसबुक में भी, व्हाट्सएप में भी, तो बाकी लोग भी देख सके और सीख सके कितना इजी है बनाना इसको, और बाकी घर पे रखे हुए चीज़ों से भी आप बना सकते हो, मार्केट जाने का टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।